मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल, बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। बीजेपी की दूसरी सूची में नजर आए चौंकाने वाले नाम। बीजेपी ने अपनी 103 आकांक्षी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में 17 अगस्त को जारी 39 नाम के बाद सोमवार को भाजपा ने एक बार फिर से 39 नाम की घोषणा की। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसद को विधानसभा चुनाव में लड़ा रही है, उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। इनमें मेहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से ज्वालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। इधर भाजपा का कहना है कि पार्टी ने कॉन्फिडेंट होकर इन नामों की घोषणा की है। यह पार्टी का विल पावर है जो बीजेपी ने इतनी जल्दी नामों की घोषणा कर दी। भाई साहब एक सेकंड, और कल जो है एक रुको जी, कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे, 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपने अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूँ। सभी प्रत्याशियों को जो पहले 39 हुए थे और फिर 39 घोषित हुए, सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ मैदान में उतर गए हैं। सीधी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का टिकट कटा, ये एक व्यवस्था है कि क्या करना चाहिए। पार्टी इस व्यवस्था को भलीभांत देखती है, समझती है, और काटना जोड़ना ये कांग्रेस के हिस्से की बात है और उसके कांग्रेस के शब्द हैं। ये हम सबके शब्द नहीं, हम सबके शब्द होते हैं। कार्यकर्ताओं को आदेश मिलना और व्यवस्था के तहत हमको पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे निकलना और जनहित के लिए आगे निकलना। मध्य प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह से प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव से करीब 2 महीने पहले जारी कर चौंकाया था, उसी तरह 39 प्रत्याशियों वाली दूसरी सूची के कुछ नामों ने चौंकाया है। कमलनाथ जी आप अपने गिरेबान में झांको, सबसे झूठा कोई नेता है इस प्रदेश में तो कमलनाथ। पिछली बार कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी ने भी कहा था, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री रहे, आपने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि आपने षड्यंत्र करके किसानों को कर्ज में डुबो दिया।
वो ब्याज की गठरी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतारी है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2129 करोड़ भरकर। तो झूठे कौन है? झूठे कमलनाथ जी आप और कांग्रेस है। आपने कहा था कि महिलाओं के समूह का कर्जा चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो तत्काल कर देंगे सरकार बनते से 15 महीने सरकार में आपने एक समूह का कर्जा माफ नहीं करके बहनों को स्व सहायता समूह की बहनों को कर्ज में डुबो दिया। ये पाप किया आपने, झूठ बोला, षड्यंत्र किया। और तीसरा आपने यहां तक कि वृद्ध दिव्यांग और वृद्ध विधवा को नहीं छोड़ा, उनसे कहा था 1000 पेंशन कर देंगे सरकार बनते से, लेकिन नहीं किया। चौथा आपने युवाओं के साथ धोखा किया। तुमने कहा था कि रोजगार देंगे ना तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चलाने वालों को भी 4000 देंगे, लेकिन एक को नहीं दिया। तो झूठेले कौन है? सबसे बड़ा झूठेला कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी। और तुमने कहा था दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर करेंगे, एक को नहीं किया। और इसलिए जितने भी तुमने वचन दिए थे तुमने तो वचन को भी झूठला दिया, जबकि भारत की संस्कृति है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन सबसे तुमने तो वचन को भी झूठला दिया, और इसलिए सबसे बड़े झूठेले कांग्रेस है, कमलनाथ है, राहुल गांधी है, दिग्विजय सिंह है। और इसलिए जनता ने तुमको जब उपचुनाव हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा देकर जब भाजपा में आए तो हजारों वोटों से वो जीते हैं, और कांग्रेस को जनता ने धक्का दिया है, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो दोबारा कभी नहीं। इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, तुम अब जीवन में कभी सरकार में नहीं आओगे और ना जो तुमको नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहोगे। और भाजपा जो कहती है वो करती है, और इसलिए झूठेले कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कमलनाथ है, अपने गिरेबान में जाको जनता सब जानती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की दूसरी सूची में घबराहट की निशानी है, भाजपा में घबराहट की निशानी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।